a biblical mentor who are part of the concert. Please come and show your support. हमारे गेस्ट अपना काम कर रहे हैं ना, यह अपने ग्राउंड को क्रॉस करके स्कोर कर रहे हैं। मैं आल्सो रिक्वेस्ट मिस्टर संजीव पागल फ्रॉम ग्रैंड हायर टू प्लीज स्टेप अप एंड सपोर्ट द स्कोर। मिस्टर संजीव पागल thank you Raj, thank you Vipul. All right, so everyone is in the center. Thank you so much. Thank you so much, our media friends. Thank you, Mr. Nagin. Now, before we go ahead, there is one message I request. Mr. Somnath B, who's retired from the police department, please come up here on stage with us. A big round of applause and praise for Mr. Somnath. अपने आप में ये एक बहुत बड़ी चीज है. मैं रिक्वेस्ट मिस्टर बाबू हरिगांव तुरा गौतम बारे पुलिस स्टेशन. आपकी तालियों से कहीं ज्यादा बड़ा काम किया है इन्होंने. Mr. Anand Bhotle from Vilipale Police Station. Mr. Vijay Paman Chauha. Governor. Everybody, police station. And now may I request Mr. Pralad Mante from RCM Police Station, जिन्हें राष्ट्रपति पदक भी मिला है 2016 में. बहुत बार जाने होते हैं सर इनके लिए. I request all of you to please give a big round of applause. थैंक यू माधुर साहब, थैंक यू सो मच. मैं अभी अभी मेरी फिल्म बैंक चोर के प्रमोशन से इंटरव्यू से आधे आधे मीडिया वाले वही थे, वहां से भाग दौड़ के आया हूँ. और 15 साल के बाद आफ्टर 15 इयर्स इन माय करियर मोर देन 40 फिल्म्स, पहली बार मैं पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ. एंड इज इंस्पायर्ड बाय, इज अ सुपर कॉप इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक आवर माधुर साहब. So, I just want to make one more thing clear. ये जो बैंक चोर है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, भाटिया जी, थैंक यू सो मच. ही हैज बीन सच अ ह्यूज सपोर्ट टू आवर सीपीए फैमिली.
and they've done so much for us. But before I go on to thanking other people, I want to take an opportunity here to have the real heroes of today. Hum sab to filmy hero hain aur kuch heroes yahan pe real life heroes bhi hain. Unme se aaj ye jo hamare real life heroes hain Mumbai Police ke, hum inko celebrate kar rahe hain aaj. To main unko kuch sawal poochna chahunga aur main chahunga ki aap jo aaj sawal ke jawab dein wo aapke jaise ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार जो मुंबई पुलिस में लोग हैं उन सबको प्रेरणा दे और जो पूरे समाज है उन सब में प्रेरणा दे. तो सबसे पहले आप बताइए कि जब आपने डिसाइड किया कि मैं तंबाकू छोड़ने वाला हूं तो कितना मुश्किल था? बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, क्योंकि सामने वाला अगर तंबाकू खाता था ऑटोमेटिक हाथ आ गया जाता था. तंबाकू काय के लिए पुलिस खाते मालूम है क्या? 12 घंटे ड्यूटी करता था टाइम पास करने के लिए, किधर भी थूकने का ये इतना बुरा लगता था, जगह खराब होता था, बच्चे लोग औरत के पुते भी रेडी, उन्हें तंबाकू को खाना अच्छा नहीं लगता है, दांत खराब होता है. हमारे दांत अभी देखो कितना अच्छा है, क्यों ना हमने तंबाकू छोड़ दिया. और सब लोगों ने यही सोचना होता है कि तंबाकू मत खाओ, अपनी जिंदगी एक ही बार आता है, वापिस नहीं आता है, इससे कैंसर हो जाएगा, आदमी मर जाता है. एक एक देखते हैं हम लोग वो डर लगता है. थैंक यू सो मच. आपने इतनी इस ताली में बहुत सुंदर कहा आपने. हम लोग भी यही सोच रहे थे माधुर साहब, बॉलीवुड भी इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी आप मुंबई पुलिस को किसी फिल्म में देखते हो तो ये ऐसे देखिए ऐसे, हाँ, और ये देखते कि वो टिपिकल हो गया पांडू हवलदार ऐसा तंबाकू दबा रहा है. और आज आप जैसे हीरो जो है वो पूरा इमेज, इतने सालों की छवि आप बदल रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. For us, it's been a privilege and an honor to be able to perform for this evening. Our very, very first concert that we ever went on stage for was for the Cancer Patients Association back in 2010. And ever since then, this is our third time that we're performing tomorrow. And every time that we do this, thank you. Every time that we come on stage to perform for the Cancer Patients Association, we do it with a lot of pride and a lot of honor. Cancer has been one of the biggest causes of grief and concern in all our family, especially our family. My mom passed away because of cancer. There's a lot of death in the family because of cancer, and we strongly believe that through mutual support, through people supporting it this afternoon. And I just say one thing that कई लोग शायद आप में ये नहीं जानते कि कैंसर टोबैको के जो सेकेंड हैंड यूजर्स जो लोग जो इनहेल करते हैं, एज इन जो लोग स्मोक नहीं करते बट जो लोग सेम रूम में सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार बनते हैं, उनके लिए भी उतना ही हानिकारक है टोबैको का ये जो स्मोक है. सो आई वुड से दैट इफ यू आर अ नॉन स्मोकर एंड इफ यू आर विद अ स्मोकर, फर्स्टली for your safety and for your health, get out of that and then tell the person to quit smoking, or at least not smoke in a closed environment, because if you are in that room you are more likely to also suffer. So please, you know, jisko kuch logon ki aadatein buri hoti hai, we can't stop them from smoking because of course it's a process, lekin aap at least वहां से निकल सकते हो, बिकॉज व्हेन यू इनहेलिंग दैट स्मोक इट्स इक्वली डेंजरस टू यू. एंड ऑफ कोर्स ये बहुत कमाल का मूवमेंट है विद सीपीए टू से नो टू टोबैको. आई होप वन डे वी कैन फाइंड अ मूवमेंट टू फाइंड द क्योर फॉर कैंसर, बिकॉज आई बिलीव देयर इज अ क्योर फॉर कैंसर, बट मे बी द फार्मा इंडस्ट्रीज विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग इट आउट. नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट मच, but it's a thing to think about, because man is below the moon and we still haven't found a cure for cancer. I believe there is a cure for cancer, and if everyone comes and raises a voice for the pharma industry to bring out the cure, it can happen. Thank you so much, Mr. Saniwa. May I request Raj Pandit to please be on the stage. May I request Vipul Mehta
somehow always wait for something terrible to happen to, you know, learn the importance of people around us. So even though something so terrible hasn't happened, I'd like to say thank you to Salim and Suleiman for their wonderful music and for letting me be a part of what they do on stage and in the studio, and to Raj and Vipul and to everybody on the stage, because I always feel like only when something bad happens suddenly we realize that, oh, you know, I should thank this one or that one. I'm saying all this because I'm very closely related to cancer. My mom has been fighting cancer for a few years. And as you get intertwined with cancer, I think you find many, many more people battling it, supporting it. So as for the past few years, I've found a huge family, in fact. And I keep having discussions with Anita, because until and unless it happens to, you know, someone around you, it's just one of those things. But sadly, we become a part of those things, and we have to be a part of their fight. So thank you for having me here 3 years in a row. And I am trying my best to do all my bit to do the right thing. Thank you. Thank you, everybody, for may I request कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन CPA मेरे लिए एक मेरा परिवार ही है. एसोसिएशन को 14-15 साल हो गए, और 14-15 साल में बहुत काम किया है, खासकर कैंसर के अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, एंटी टोबैको मूवमेंट को खासकर यूथ में एक मैसेज संदेश पहुंचाने के लिए, हेल्थ की अवेयरनेस करने के लिए, फैमिली को पहुंचाने के लिए. उसके अलावा जो हमने साथ में मिलके पीडियाट्रिक कैंसर के लिए काम शुरू किया, जहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं छोटे बच्चे देखता था, गरीब किसानों के बच्चे गांव-गांव से आते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए, उनके परिवारों से बताते थे कि हम घर पे सब कुछ गिरवी रख के आए हैं, हम ज़मीन गिरवी रख के आए हैं, घर गिरवी रख के आए हैं, जेवर गिरवी रख के आए हैं, और उनको श्योरिटी नहीं थी कि हमारा बच्चा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा. कैंसर चीज़ ही ऐसी है, पढ़े लिखे लोग, बड़े घरों से लोग जब सुनते हैं इसके बारे में, अपने परिवार में किसी को होता है तो वो भी डर जाते हैं. तो आप सोचिए गरीब परिवार में क्या बीतती है. तो हमने इसके अंदर एक मुहिम चलाई, और पिछले 15 साल में ऊपर वाले की कृपा से, बहुत सारे डोनर्स की मदद से, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स की मदद से, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ने 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मदद की है. 2.5 लाख, मुझे लगता है हमने इसको ऑफिशियल किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है सिंगल जिसने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है पूरे देश में. सर, कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है इतने अच्छे काम करने के लिए? मेरा सबसे पहला एसोसिएशन कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से शुरू हुआ, और मुझे याद है कि मेरी जीवन में यू नो लाइफ में अप्स एंड डाउन सबकी होती हैं. एवरीबडी हैज़ गुड डेज एंड बैड डेज. कभी आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, कभी आपका बुरा पीरियड चल रहा है. जब अच्छा पीरियड चल रहा होता है तब हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. हम ये क्यों नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, भगवान मुझे अच्छा लाइफ में अच्छी प्रगति क्यों दे रहे हो आप, सक्सेस क्यों दे रहे हो आप. लेकिन जब लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, फेलियर आता है, हार्ट ब्रेक होता है, दर्द होता है, तब आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. मुझे याद है कि ऐसे ही एक मौके पर मैं बहुत कंप्लेन कर रहा था, और मेरी माँ जो खुद पिछले 35 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे पूछा आज क्या करती है. मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ. तो मुझे लगा माँ मेरा दिल बहला रही है. मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई, और चिल्ड्रंस विंग में, पीडियाट्रिक विंग में मुझे बच्चों से मिलाने ले गई. और वो दिन जो मैंने स्पेंड किया बच्चों के साथ में, उस दिन मुझे दो चीज़ें ऐसी बहुत बड़ी सीख मिली ज़िंदगी में. पहली सीख ये मिली कि जब मैंने देखा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, ये 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे बाल उड़ गए हैं कीमोथेरेपी से, आंखें लाल हो गई हैं, और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है भैया हम ठीक हो जाएंगे. विश्वास है उनमें, होप. जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा मुझे कोई हक नहीं है लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने. और दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी कि एज एन एक्टर ईश्वर ने आपको एक ऐसा वरदान दिया है कि आप लोगों को कितना भी दर्द हो आप उनका दर्द कम कर सकते हैं. उन बच्चों से आप जब खेलते हैं, बात करते हैं, उनके लिए आप खिलौने ले जाते हैं. मैं रेगुलरली अब पिछले 15 सालों से अपना जन्मदिन कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स
इनके साथ में मनाता हूँ। ये इसीलिए मनाता हूँ क्योंकि एक माहौल क्रिएट होता है और ये बच्चों को एक साहस शक्ति मिलती है कि हम इससे जीत पाएंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 15 सालों में मैंने इतने बच्चों को बड़े होते हुए देखा, अपने आँखों के सामने कैंसर को हराते हुए देखा है। वो मुझे मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऊपर वाले ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, बहुत इज्जत दी है, बहुत शान शोहरत सब कुछ दिया है लाइफ में, लेकिन मुझे अगर पूछें तो मेरे लिए मेरे सबसे बड़े अवार्ड्स ही सर ये भी मुझे अभी हाल ही में आपने अच्छा काम किया, अपनी बहन माना है उसको, तो भाई होने के नाते मैंने मदद की अपनी बहन की, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी कंपनी का नाम ही कर्म है, तो हम विश्वास करते हैं अच्छे कर्म करने में। देखिए टबैको को बंद करना नहीं बंद करना ये एक राजनीतिक सवाल है, ये हमारे जो शासक हैं पूरे देश के जो प्रशासन हैं इसे सोचना है इसके बारे में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अगर बोलें कि ड्रग्स बैंड है हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ड्रग्स कोई लेता नहीं है। बैन करने से ऐसा नहीं होगा कि सब बंद हो जाएगा, बैन करने से ऐसा होगा कि लोग उसके लिए ज़्यादा पैसा देंगे, ब्लैक में खरीदेंगे। हमारे लोग ऐसे हैं कि वो जहर भी हो तो जहर भी खरीदने का कहीं ना कहीं से तरीका निकाल लेते हैं। खुद मन बनाना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ छोड़नी है। और आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसकी खास बात ये है कि जब हमने पिछले साल एक मुहिम चलाई कि मुंबई पुलिस टबैको फ्री होगी, पूरे मुंबई में जो हमारे पुलिस वाले हैं, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि तंबाकू ऐसे ऐसे मार के ऐसे खींच के जबान के पीछे अब होंठ के पीछे पांडू हवलदार लगा रहा है, वो जो टिपिकल माइंडसेट था उसे हम तोड़ना चाहते थे। क्योंकि हमारे लिए ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी हीरोज़ हैं, पुलिस वाले भी ऐसे लोग हैं जिनको आप लुकअप करते हैं, यूनिफॉर्म एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है। तो हमने DGP के साथ में, मुंबई पुलिस के साथ में मिलकर एक मुहिम चलाई टबैको फ्री मुंबई, टबैको फ्री मुंबई पुलिस। और आज वो परिवार और वो सदस्य क्या है, हम बहुत सुंदर चीज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने जब से स्मोकिंग या टबैको का सेवन खत्म किया है तब से आपकी जिंदगी में समय बढ़ गया है, आपकी जिंदगी लॉन्गर लाइफ, और इस लॉन्गर लाइफ में से कुछ समय निकालकर आप अपने परिवार वालों को छुट्टी मनाने के लिए ले जाएंगे, श्रीनगर ले जाएंगे, कुल्लू मनाली ले जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो पैकेज हम इन विनर्स को आज गिफ्ट करेंगे ताकि और लोग